भारत इस साल G20 देशों की अध्यक्षता करेगा, इसका ऐलान पहले ही हो चुका है। वहीं 1 दिसंबर यानी आज से औपचारिक रूप से भारत G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इस मौके को खास बनाने के लिए केंद्र ने विशेष तैयारियां की हैं। सरकारी सूत्रों ने ये बताया है कि इस अवसर पर देश भर में 100 से अधिक स्मारकों पर G20 लोगों को दिखाया जाएगा, इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। सूत्रों ने बताया है कि अध्यक्षता ग्रहण करने के बाद G20 शिखर सम्मेलन तक देश भर के 50 शहरों में 200 से भी अधिक बैठकों की योजना बनाई गई है। इनमें से कुछ बैठकों की मेजबानी करने के लिए देश के उन हिस्सों का चयन किया गया है जिनके बारे में लोगों को बेहद कम जानकारी है। सूत्रों के मुताबिक इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी का उद्देश्य है कि सभी जिलों और ब्लॉक को G20 से जोड़ा जाए और पीएम मोदी के विजन को जनभागीदारी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाया जाए। G20 की अध्यक्षता का ऐलान होने के बाद पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया था। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि G20 का ये लोगो केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं है, बल्कि ये एक संदेश है, ये एक भावना है जो हमारी रगों में है, ये एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल रहा है। पीएम ने अपने संबोधन में कहा है कि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। भारत के लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए आज इस समिट की वेबसाइट, थीम और लोगो को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बेहद बधाइयां देता हूं। वहीं 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने से पहले हाल ही में 40 से अधिक मिशन प्रमुखों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने G20 कार्यक्रम के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दौरा किया था। इस दौरान प्रतिनिधियों ने सेल्युलर जेल का दौरा किया जहां लेखक और विचारक वीर सावरकर को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। भारत G20 में संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, विविधता और 75 सालों की अपनी उपलब्धियों और प्रगति को भी पेश करेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान के अनुसार भारत अपनी अध्यक्षता में अगले साल 9 और 10 सितंबर को G20 के नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। पहली तैयारी बैठक 4 से 7 दिसंबर को उदयपुर में होगी। मंत्रालय के मुताबिक कार्यक्रम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। भारत जिस बड़े पैमाने पर सम्मेलन के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर रहा है, उतने बड़े पैमाने पर अब तक G20 की बैठक नहीं हुई है। चीन में 14 और इंडोनेशिया में 25 शहरों में G20 की बैठक आयोजित हुई थी। देश के 75 विश्वविद्यालयों के युवाओं को सम्मेलन का हिस्सा बनाने की योजना है। G20 से संबंधित सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे जहां लोग फोटो खिंचा सकेंगे। ऑडियो वीडियो के माध्यम से देश के नागरिकों को सम्मेलन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। FM रेडियो भी प्रचार का एक बड़ा माध्यम बनेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान दक्षिणी एशियाई देशों के मौजूदा हितों और चिंताओं को प्रमुखता के साथ दुनिया के सामने रखना चाहेगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट के 7वें संस्करण में जयशंकर ने कहा, हमें लगता है कि इन देशों को दरकिनार किया गया है। उन्होंने भू राजनीतिक और उभरती विश्व व्यवस्था में तकनीक के महत्व को रेखांकित किया। G20 के लिए भारत के प्रमुख समन्वयक वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि कोविड महामारी के प्रतिकूल प्रभावों और यूक्रेन युद्ध परिणामों को महसूस करने वाले विकासशील देशों को भारत की अध्यक्षता में बहुत उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि युद्ध के चलते खाद्य वस्तुओं और ऊर्जा आयात की बढ़ती लागत से उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को भारत की अध्यक्षता में आवाज मिलेगी, उनकी परेशानियां भी सुनी जाएंगी। भारत G20 के दौरान नागालैंड के हॉर्नबिल महोत्सव को भी प्रदर्शित करेगा। रिपोर्ट के अनुसार G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंगला ने हाल ही में नागालैंड के मुख्यमंत्री निफुरियो के साथ G20 के दौरान महोत्सव को लेकर चर्चा भी की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।